ॐ सहनाभवत् सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषा शान्तिः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षोरुन्मीलितं येन तस्म श्री गुर्व नम गर्ब्रह गुरोर्विष्णु गुरोर्देव महेश गुरो गुरोर ब्रह्म तस्मी श्री गुरव नमः देव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गजाननं भूतगणादिसेवितं कापितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमा सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघनेश्वरपादपङ्कजम् सच्चिदानन्दरूपाय तापत्रय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयम उदीरये यम प्रवर्जन द्वैपायनो तमपेत कृत्यम दैपायनो विराकातरयाजुहाव तरवो भिनेदुः तम्सर्वभोधरदयम मुनिमा नोस्मी परम श्रद्धे परमादरणी हमारे स्वामी चैतन्यानंद जी महाराज समुपस्थित सभी संतजन और समस्त स्वरूप भक्तजन इस गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में जो आठवें स्कंद का तीसरा अध्याय है वही स्तुति मानी जाती है इस तीसरे अध्याय में कुल श्लोकों की संख्या तैतीस है अध्याय में कुल श्लोक तैतीस हैं। लेकिन प्रारंभ में एक श्लोक प्रारंभ में पहला श्लोक सुखदेव भगवान जी के मुख से निकला है भूमिका है और दूसरे श्लोक से गजेंद्र की स्तुति है उनतीसवें श्लोक तक तो कुल अट्ठाईस श्लोक में स्तुति है और बाद में जो तीसवां 31वां, बत्तीसवां 33वां वो फलश्रुति है ये जो बीच में गजेंद्र के मुख से निकला हुआ श्लोक हैं वही गजेंद्र मोक्ष स्तुति है हम लोग उसका कोशिश करेंगे एक ही श्लोक का पाठ करके और उसका अर्थ देखने का प्रयास करेंगे तो पहला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं जिनके हाथ में है दोहरा लोक श्री सुखवाच श्री सुखवाच बुद्ध्या समाधाय मनो जजाप परमं जाप्यं जजाप प्राग्जन्मन्यनुशिक्षित प्राग श्री सुखकुमार सुखदेव भगवान ने कहा जो प्राचीन पाठ है पुराना जो ग्रंथ है उसमें बादरायण उवाच लिखा हुआ है जैसे एकादश में बादरायण उवाच करके आएगा तो बादरायण के पुत्र हैं सुखदेव भगवान भगवान वेटव्यास जी उन्हीं का एक पद नाम है बादरायण उन्हीं के स्वरूप सुखदेव भगवान ने प्रारंभ किया इस अध्याय का एवं एवं बुद्धिया व्यवसितों ये पहला चरण एवं बुद्धिया व्यवसित हो एवं माने इस प्रकार से बुद्धिया बुद्धि के द्वारा इस प्रकार से बुद्धि के द्वारा व्यवसायता निश्चय करके दृढ़ निश्चय करके और आगे की बात करती है तो एवं शब्द जाएगा इसके पूर्व के अध्याय जैसे कहते इस प्रकार से तो प्रश्न हो जाएगा किस प्रकार से इस प्रकार से जैसे हमने कोई बात कहना होगा तो हमने कहा इस तरह से तो कहा किस तरह से तो एवं शब्द पूर्व के अध्याय में जाएगा तो पूर्व के अध्याय में इसमें जहां पर था कि जिस समय वहात्रकोट पर्वत पर जो सरोवर है उस सरोवर में गजेंद्र स्नान करने गया अपने पूरे पत्नियों के साथ में गया उसके सारे हाथी के बच्चे इत्यादि थे वहां ग्राह रहता है ग्राह ने गजेंद्र के पांव को पकड़ा उसके बाद जब गजेंद्र चिघाड़ मारता है तो उसके जो परिवार के लोग थे वो गजेंद्र को बचाने का अपना पूरा प्रयास करते हैं। कोशिश किया उन्होंने गजेंद्र को बचाने का जल से बाहर खींचने का लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ पर जब प्रयास सफल नहीं हुआ तो एक एक करके जो परिवार के लोग थे वो एक एक करके वहां से ही जाने लगे हम लोग अस्पताल में अनुभव कर सकते हैं ये हाँ जब अस्पताल में आयुष में भर्ती हो तो पहले दिन तो नौ लोग जीप में लत के आते हैं गोंडा और बहराइस वाले से कोई बीमार आवे तो इस जगह पे मैं गोंडा नाम जरूर लूंगा उसका कोई कारण है <laughs> एक बीमार होगा जानते हैं कि वहां अस्पताल में कोई मिलने नहीं देगा बड़े अस्पताल में केवल एक आदमी चाहते हैं मरीज के साथ एक रहे क्योंकि काउंटर पे जाके पैसा जमा करना है बस तो लेकिन फिर भी अगर कोई बीमार होगा कोई रिश्तेदार यहां रहता होगा लखनऊ नगर में तो नौ आदमी लदके आवेंगे और अस्पताल में भर्ती हो जावे भर्ती होने के बाद इलाज होने लगे दो दिन बीते चार दिन बीते छह दिन बीते उसके बाद फिर एक एक करके ठीक है आ, कोई बात होगी तो बताना फोन पर संकोच मत करना ध्यान रखना टेक केयर और एक एक करके चले जाते बिल्कुल उसी प्रकार से एक एक करके गजेंद्र के जितने लोग थे वो सब के सब छोड़ करके वहां से चले जाते अब वहाँ सरोवर में रह गए केवल दो ग्राह और गजेंद्र समाह सहस्रम व्यगमन महीपते सप्राण यो असंतम रहा सम, समाह हजारों साल तक अब दोनों का युद्ध होता रहा किसका गजेंद्र और ग्रह जो मगर मच्छ है वो चाहता है कि हाथी को जल के भीतर खींच ले जाए तो मेरी शक्ति बढ़ जावेगी और मैं हाथी को मार डालूंगा और हाथी है वो ग, ग्राह को पकड़ के बाहर खींचना चाहता है कि अगर जमीन में आ जावे तो जमीन में मैं पांव से कुचल करके और मार डालूंगा अभी किसी ने फेसबुक पर एक क्लिप डाली और अभी ज्यादा नहीं पंद्रह दिन पहले मैंने देखा एक हाथी का झुंड नहा रहा था और मगरमच्छ बीच में आया एक हाथी नाराज हो गया उससे और वो कुचल कुचल के मार डाला उसको मगरमच्छ को हाँ मैंने देखा उस और जैसे मैं उसको देख रहा था तो मुझको बस भागोते ही याद आ रहा था हमने कहा लोग पता नहीं क्यों शास्त्र को मानते नहीं मैंने फेसबुक पर क्लिप देखी फिर मैंने सोचा फेसबुक से इसको सेव करें नहीं कर पाया कैसे करें नहीं समझ में आया हाँ। अब आप लोग तो जानते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो सकता था तो हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया उसमें हमसे तो और वो बार बार अपना ओ, उस ऐसे जो मस्तक है उससे उसको मारता है दबाता है पांव से कुचलता है उलट पलट के मारा और अंत में मगरमच्छ वो मर गया और तैरने लगा था वहां पर तब तो हमने कहा कि बिल्कुल ये ऐसे हुआ होगा गजेंद्र बाहर खींचना चाहता है कि पानी से बाहर आ जाओ तो मैं मार डालू और ग्राह भीतर ले जाना चाहता है यही जीव का मृत्यु के साथ एक संघर्ष चल रहा है जीवात्मा का काल के साथ एक संघर्ष चल रहा है और यही कितना चला समा सम्रम हजारों साल तक अंत में अंत में एक समय पर ग्राह की शक्ति बढ़ने लगी तातो गजेंद्र से मनोबलौ जसाम न दीर्घेण महान भूत व्यय ग्राह की शक्ति बढ़ने लगी और गजेंद्र को खींच करके भीतर ले आ रहा है जब भीतर जल के भीतर ला रहा है तो तातो तो गजेंद्र से मन बल औजस, उसका मानसिक शक्ति शारीरिक बल उसका तेज बल सबका सब, सब छीड़ होने लगा इसको हम कहते हैं भीतर से हार रहा है भीतर से हार रहा है क्यों क्योंकि कालेन दीर्घेण महान भूत इतने समय तक युद्ध करते करते अब इतने समय तक लड़ता रहा तो फिर शक्ति तो धीरे धीरे क्षीण हो गई अब विकृष से जले वसीत वो खींचे जा रहा है खींचे जा रहा है अपारयन आत्मा विमोक्षण अब वो अपने बचने का कोई उपाय नहीं देखता अपार है मेरी शक्ति से परे गया अब ग्राह की शक्ति बढ़ रही गजेंद्र की शक्ति कम हो गई और गजेंद्र भीतर से हार माना अभी तक भगवान को नहीं पुकारा था कितने दिन बीत गए थे हाँ। अभी तक भगवान की याद नहीं किया था जब तक परिवार के लोग थे तब तक नहीं याद किया था जब तक अपना बल था तब तक भी नहीं अपना बल लगाया लेकिन अब हार जाता है तब इथम गजेंद्रपटम प्राणस्य दे जब गजेंद्र भीतर से हार जाता है और विचार करता है अब मेरी मृत्यु नजदीक है पासेन विधातु आवृतो ये जो पहला शब्द है ना एवं एवं माने वो इस प्रकार जब भीतर से पूरी तरह से हार गया अपना बल भी खत्म और कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता अब तो लगा कि मैं मर ही जाऊंगा तब उस समय पर उसके चित्त में पूर्व के जन्म का वो संस्कार आके उद्भूत हो गया हाँ। इस श्लोक में अंतिम चरण में देखना प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम प्राग जन्मनि माने प्राग माने पूर्व के पूर्व के जन्म का जो संस्कार था जब मृत्यु का समय आता है तो आपका देखो दूसरी भाषा बोल दे जब आदमी का मृत्यु का समय आता है तो उसका चेतन मन काम नहीं करता कॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा उसका सबकांशियस माइंड आ गया आगे जब सबकांशियस माइंड आया तब उसमें आपका यहां पर जो बात कर रहे वो काम नहीं आता वो जो आपने वहां संस्कार रूप से संस्कृ संग्रहित किया है वो सामने प्रकट हो जाएगा अब चेतन मन नहीं पूर्व जनमन ही अनुशिक्षितम उस समय पर अब कितने बार हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो चाहे जितना राम राम बोल लो लेकिन बेहोशी के समय में राम राम याद हो, नहीं आता हा हाँ आप कोशिश करो कभी ऐसा कोशिश करना कि मैं सपना देखूं और सपने में सत्संग होता देखूं हाँ, मुश्किल से दिखाई पड़ेगा कभी किसी बिरले को आप 20 साल हाँ पुराना कोई आएगा जंगल में घूम रहे हैं नदी में नहा रहे हैं किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो सब दिखाई पड़ेगा हाँ लेकिन सत्संग दिखाई पड़े इसका मतलब सत्संग आपका चेतन मन में है अगर वह अचेतन अर्धचेतन मन में होगा तो स्वप्न में भी आपको सत्संग आएगा ठीक है ना उसके भीतर वो पूर्व के जन्म और जो संस्कार रूप में संग्रहित वो प्रकट हो गया जब वो प्रकट हो गया तब भीतम प्रपन्नम परिपात यदयान अब इतना घबरा गया है वो इतना डर गया है कि अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है तब उसके चित्त में बस वो दृढ़ निश्चय हुआ कि अब तो मेरी रक्षा केवल परमात्मा ही कर सके ये है दृढ़ निश्चय एवं बुद्धिया व्यवसिता बुद्धिया माने बुद्धि के द्वारा क्योंकि निश्चय करने का काम बुद्धि का और व्यवसिता माने व्यवसिता माने व्यवसाय मत समझ लेना है ना ऐसा भी समझ सकता है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरा नंदन बहुशाखा है नंताश्चा बुद्ध और व्यवसाय नाम तो एक दृढ़ निश्चय हुआ रक्षा तो मेरी केवल नारायण कर सकते हैं बस केवल परमात्मा कर सकते हैं इसको कहते हैं दृढ़ विश्वास दृढ़ विश्वास है दृढ़ श्रद्धा है अभी, अभी किसी ने बताया कि एग्जाम में आया था एग्जाम में आया था कि ईश्वर को मानने वाले को क्या कहते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप से आता है ना आस्तिक नास्तिक ऐसे शब्द आए थे आस्तिक या नास्तिक या ऐसे ईश्वर को मानने वाले को क्या कहते हैं नास्तिक की आस्तिक आ? जब हमसे पूछा स्वामी जी क्या तो हमने कहा एक क्वेश्चन को बनाने वाला ही मूर्ख था प्रश्न पत्र बनाने वाला ओ विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ होगा हमारी गुरु परंपरा से उसको कोई ज्ञान नहीं था क्यों क्योंकि हमारी परंपरा में आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा होगी जो वेद को माने वो आस्तिक और जो वेद को न स्वीकार करे उसी का नाम होगा नास्तिक।, नास्तिक देखो अब एक गुरु परंपरा से लेकिन वहां शब्द क्या लिखा उसने ईश्वर को मानने वाला फिर वहां ऑब्जेक्टिव में दिया आस्तिक या नास्तिक हमारी दृढ़ श्रद्धा किस पर मेरे शास्त्र पर मेरे ईश्वर पर दृढ़ विश्वास वो आस्तिक बुद्धि आस्तिक बुद्धिया ऐसा दृढ़ निश्चय हुआ ऐसा दृढ़ पक्का हुआ एवं बुद्धिया व्यवस्थित अच्छा फिर आप बुद्धि में निश्चय हो जाए तो उसके बाद उसके बाद क्या करो हाँ तो बुद्धि में निश्चय तो बहुत बार हो जाता है लेकिन महाराज ये मन मानने के लिए तैयार दृष्टांत देके के कहूं रोता रोता गुरु जी के पास आया गुरु जी मेरा दृढ़ विश्वास है आप मेरी रक्षा कर सकते हो आप मेरी रक्षा कर सकते हो आप कृपा करो आशीर्वाद दो बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया आशीर्वाद दिया कोई बात नहीं जाओ तुम्हारी मृत्यु तो नहीं होगी बच जाओगे कल्याण होगा अब जैसे गुरु जी के कमरे से निकला फिर चार लोग मिलकर सलाह करते हैं कौन से अस्पताल चले हा <laughs> कौन से डॉक्टर को दिखावे अब आप गुरु जी के वचन पर दृढ़ विश्वास है क्या नहीं समझ आ रही बात नहीं तो आप लोग कहोगे महाराज दवा दारू दोनों करनी पड़ती है ना तो आपका दृढ़ विश्वास नहीं है ओ वाला दृढ़ निश्चय नहीं है वो ठीक है गुरु जी के मनाने से भी काम बन जावे तो ठीक है जिस देवता को मनाने से काम बन जावे वही देवता ठीक है लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं है जी अगर दृढ़ निश्चय हो तो आप एक एक वृक्ष से भी प्रार्थना करो दृढ़ निश्चय से तो उस वृक्ष उपहित चेतन आपको कल्याण कर देगा क्योंकि वह ठूठ उपहित चेतन जो है वही भी तो ब्रह्म है श्रद्धा में शक्ति है श्रद्धावान लभते ज्ञानम विश्वास, खैर मुश्किल है मुश्किल है आ, लेकिन हो जाए हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए तो बेड़ा पार, खैर तो एवं व्यवसितो बुद्धिया इस प्रकार से बुद्धि से दृढ़ निश्चय करके कि इस कष्ट के समय में मुझको और कोई नहीं बचा सकता केवल नारायण ही बचा सकते हैं और मन इधर उधर ना जावे तो उसके लिए कहा मानो हृदय समाधाय मन को अपने हृदय में समाहित करके अब मन विचलित नहीं मानो मन को हृदय हृदय में मन को अंतकरण में समाहित करके यानी मन अब उसका चलायमान नहीं हो रहा है वो पूर्व का साधन कभी नष्ट नहीं होता हम लोग इतना कहते हैं कि न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच। कल वो एक बात कह दिया था ना कि वो गंधर्व लोक तक गया ये बड़ा राजा था श्राप मिल गया तो हाथी बन गया ओ मगर मच्छ बन गया तो इससे ये मत समझ लेना कि उसकी कमाई नष्ट हो गई उसने जो साधन किया हुआ था वो साधन से जो उसकी संपत्ति अर्जित हुई अंतकरण की शुद्धि तो वह जो हमारे मन की स्थिति है जो मन हमारा चलायमान होता है अब वो मन को पूरी तरह से अंतःकरण में समाहित कर दिया मन बिल्कुल इधर उधर नहीं भटकता अब गजेंद्र की स्थिति देखो अब जब मन शांत है अंतःकरण में स्थित हो गया मन बुद्धि से दृढ़ निश्चय हो गया परमात्मा की शरण ही एकमात्र हम की हमारी रक्षा कर सकता है तब पूर्व का सारा संस्कार आके उद्भूत हो गया प्रकट हो गया प्राग जनमनी जैसे एक बहुत बार बहुत बार आप खेत वगैरह में क्यारी में देखोगे तो बीज बोया हमने बीज बोया दूसरे दिन थोड़ा बरसात हो गई तो ऊपर एक पपड़ी पड़ जाती है हल्की सी पानी की बरसात हुई तो पपड़ी पड़ गई तो बीज अंकुरित हो जाता है लेकिन वो उसका अंकुर ऊपर मिट्टी के है। निकल नहीं पाता ऊपर की पपड़ी रहती आप ऊपर की पपड़ी हटाओ तो नीचे से जो है उसका अंकुर हो है ना चतुर्वेदी खेती होती तो तुम ही जानते हो खूब है ना गए नहीं गेहूं कटाने एक बार हमारा सत्संग था तो चले गए थे हमने कहा, कहा गए दिख नहीं रहे बोले गेहूं कटा रहे अच्छा तो वो बीज अंकुरित तो हुआ लेकिन ऊपर नहीं दिखाई पड़ रहा है क्यों ऊपर मिट्टी की एक पपड़ी पड़ी हुई है ऐसे अंतकरण में एक आवरण पड़ा होता है मन की बहिर्मुखता का जैसे मन शांत हुआ बुद्धि में दृढ़ निश्चय तो पूर्व का जो संस्कार था पूर्व का जितना उसका साधन भजन था वह अंकुर सामने अब प्रकट हो गया प्राग जन्मनी अनुशिक्षिता वो प्रकट हो गया जब प्रकट हो गया तो जो पूर्व का संस्कार था उसी का परमम जाप्यम जजाप उस परम जप करने वाला परम स्तुति करने वाले उस स्तुति का उसने जजाप जाप करना शुरू कर दिया अब उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया कौन सा मंत्र जो परम है सर्वोत्कृष्ट है जिसकी शरण में जाने से सारे दुखों से मुक्ति हो जाती है भय से मुक्ति दुख से मुक्ति वो तो परमात्मा आपके साथ हमेशा है इतना दृढ़ विश्वास रखो परमेश्वर आपसे बिल्कुल अलग नहीं है जजाप उस मंत्र का जाप किया क्यों क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है अच्छा इतना तो सुना है ना कि भगवान सर्वव्यापक हैं जैसे जैसे दूध में मक्खन होता है सब में ऐसे भगवान सर्वत तो भगवान सब जगह हैं तो यहां भी है यही तो भगवान सब जगह है तो फिर भगवान ने कहा मैं सारे प्राणियों के हृदय में वास करता हूं ईश्वरा सर्वभूतान हृदय से अर्जुन तिष्ट सारे प्राणियों के हृदय में वास करता हूं जब सारे प्राणियों के हृदय में वास है तो मेरे हृदय में हृदय है ना तो वहां भी है व्यापक हैं तो यही हैं, अभी हैं। सबके हृदय में है तो मेरे भी हृदय में है जब वो साक्षात परमेश्वर मेरे पास हैं तो मुझको किसका भय किस बात से भयभीत हो किस बात का कष्ट और अब इस निश्चित अंतकरण से जाप करता है ये गजेंद्र जो जाप करता है इसका जाप करने से हमारे जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं थोड़ा आज का अब तीन चार श्लोक गंभीर है वेदांत तो वाले तो खुश हो जाएंगे यहां से स्तुति शुरू हो जाती है ये स्तुति पाठ कर रोज भी पाठ करते हैं तो भी इसका पुण्य बहुत मिलता है गजेंद्रवाच ओम नमो भगवते तस्मई यत एतचिदात्मक पुरुषायाधि भी जाय परेशाया, भी परेशाया भी गजेंद्र उवाच अब देखो सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है क्योंकि उस सरोवर में दो ही थे ना दो ही थे ना गजेंद्र और ग्राह तो ये ग्रंथ फिर हमको कैसे पता लग गया तीसरा कोई नहीं है वहां पे गजेंद्र ने स्तुति किया गजेंद्र ने स्तुति किया लेकिन गजेंद्र ने लेखनी लेकर के लिखा तो नहीं ना हमको कैसे मिला अब आए आप लोगों के लिए विचार करने का है अब चाहे होमवर्क कह लो जब दो ही थे वहां पे तो गजेंद्र ने तो लिखा नहीं गजेंद्र ने तो स्तुति किया उसके बाद की घटना है कि भगवान आए और उसकी रक्षा कर लिया हमको कैसे सुनने को मिला कोई यहां पर विचार करो वास्तव में जब हम अपना स्थूल व्यक्तित्व तो, अपना परच्छिन्न व्यक्तित्व तो, अपना जीव भाव को किनारे कर लेते हैं तो आपका अपना जो चेतन है वो सर्व व्यापक हो जाता है तो भगवान वेदव व्यास जी का जो अंतकरण उपहित चेतन है वह गजेंद्र उपहित चेतन दोनों एक हो गए तो एक के मन में जो बात आती है दूसरे को पता लग जा इसको आप कहते हैं सर्वज्ञता व्यास भगवान की सर्वज्ञता है क्यों तो उनका अब अपना कोई व्यक्तित्व तो नहीं अपना कोई अपना जीव भाव नहीं है तो सर्वव्यापक हैं तो गजेंद्र के चित्त की एक एक बात उनको पता लग रही व्यास भगवान ने लिखा गजेंद्रवाच पहला शब्द है ओम देखो ओम नमो भगवते यही है ना अब इसी में एक शब्द लगा दो ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो हो गया पूरा का पूरा मंत्र हो जाएगा ओम नमो भगवते वासुदेव आय ऐसा मंत्र हो गए यहां पर वासुदेव का शब्द नहीं किया देखो यहां वासुदेव शब्द रामाय राम कृष्ण कुछ नहीं शिव कुछ नहीं क्या लिखा ओम नमो भगवते तस्मय तस्मय माने उन परमात्मा के लिए उन परमेश्वर के लिए उन भगवान के लिए मेरा नमस्कार है हाँ, अगर हम कहें कि ये किताब है उनके लिए है तो आपके चित्त में तुरंत आएगा किसके लिए हम कहें आपको ये चीज दे रहे हैं उनको दे दो तो आप कहोगे किसको तो आगे पूरा लक्षण हो गया अब आगे लक्षण और वेदांत में सुना होगा दो प्रकार के लक्षण होते हैं स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण और तट। तो उन्हीं दोनों लक्षणों के माध्यम से अब आगे ब्रह्म तत्व का निरूपण है आगे ब्रह्म हमको लगता है ये जो हाथी था ना बहुत पढ़ा लिखा था पक्का वेदांती था आप ही लोगों के जैसे हाँ। बस जैसे गजेंद्र पढ़ लिख के परिवार में फंसा था हथनियों में वैसे आप लोग भी फंसे ही हुए हो हाँ। बिल्कुल आगे आगे के शब्द पढ़ के लगता है कि वो ना समझ तो नहीं नको। ओम नमो भगवते तस्मय ओम ओंकार स्वरूप नमस्कार है किसके लिए तस्मय भगवते उन परमात्मा के लिए कौन से परमात्मा यत ए तत् चिदात्मकम यत्माने जो जो परमेश्वर एतत देखो जो यह माने यह जो परमेश्वर ये सारे जगत में चेतन रूप से व्याप्त है उन परमात्मा को मेरा नमस्कार ठीक है ना जो परमेश्वर चिदात्मकम एक वृक्ष के भीतर भी जो चेतन रूप से व्याप्त है एक गाय के भीतर जो चेतन रूप से व्याप्त है एक घोड़ा हाथी के भीतर जो चेतन रूप से व्याप्त है यहां तक कि एक असुर के भीतर भी जो चेतन रूप से व्याप्त है वह चेतन रूपता वो परमात्मा का ही स्वरूप है ये चेतन स्वरूप से जो जगत में व्याप्त है उन परमात्मा को मेरा नमस्कार है अरे आप सब चेतन तो हो कि जड़ हो जड़ हो कि चेतन जड़ की चेतन आ? देखो बोलने भी संको जड़ हो चेतन हो पक्का आ? देखो अब विधा में पड़े ना चेतन की जड़ क्या चेतन है आपका हाथ की पांव हाथ चेतन है कि पांव चेतन है आंख चेतन है कि कान चेतन है हाँ? चेतन क्या है हाथ की पांव आंख कान नाक मुंह क्या चेतन है ये शरीर सारा का सारा जड़ है और जिस चेतन के द्वारा ये शरीर जीवित है हाँ, देखो जिस चेतन के कारण ये शरीर जिंदा है उस चेतन स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार ठीक है ना अरे हमको तो बहुत ये दृष्टांत तो कई बार लगता है एक आदमी बिल्कुल जिंदा है ऐसे बिठा दिया उसको ये हमको देख करके मेरे चित्त में बात बैठ गई उसको बै, बैठ जाओ आप देखो हम डांट के कहते कमर सीधी करके बैठो गर्दन सीधा करके बैठो ध्यान में बैठो बैठता है घंटे भर आधा घंटा और एक दिन वही उसके प्राण निकल जाए बैठे 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 प्राण निकल गए भीतर से कोई निकल गया तो अब हाँ? क्यों लुढ़क जाओ बैठा रहे वैसे उपनिषद में आया है उपनिषद में एक प्रसंग आया है कि एक बार जितना इंद्रियां थी सब में लड़ाई हो गई मैं बड़ी उसने कहा मैं बड़ी आंख ने कहा मेरे से ज्यादा कौन कान ने कहा मेरे से ज्यादा कौन महाराज सब में लड़ाई हुई अभी शायद सुनाया होगा चांदोग में ही है हाँ आजे तो सुना रहे थे शायद आजे कलग <coughs> ओ महाराज खूब लड़ाई हुई सब मिलकर के प्रजापति के पास गए हम में कौन बड़ा है तुम बताओ प्रजापति ने कहा किसका नाम ले किसी का नाम लेना अच्छा नहीं ऐसा करो तुम सब इस शरीर से एक एक करके निकल जाओ जिसके निकलने से ये शरीर पापियों का सिरमोर हो जावे जिसके निकलने से शरीर पापिष्ट हो जावे छूना भी खराब हो लगे समझना वही सबसे श्रेष्ठ वही सबसे श्रेष्ठ है ओ महाराज अब तो आए और सबसे पहले एक इंद्री निकल गई कान निकल गया वहां से साल भर कान बाहर रहा लौट के कान आया उसने और सब इंद्रियों से कहा क्यों तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा मैं चला गया था तो सबने कहा तुम्हारे जाने से क्या जैसे बहरा लोग जो है काम कर लेते वैसे हमारा शरीर का काम चल गया जो बधिर है सुनाई नहीं पड़ता तो जैसे उसका काम चलता है चल गया उसने कहा जब मेरे जाने से फर्क नहीं पड़ा तो फिर से वापस आ गया दूसरी नेत्र गया फिर बड़े ताव में कुछ दिन तक देखते हैं मेरे बगैर कैसे काम चलेगा महाराज कुछ दिन के बाद वो भी आके पूछा क्यों कैसा रहा बोले जैसे अंधा आदमी काम कर लेता है सारा सूरदास सारे काम कर लेते महाराज हमारे एक प्रज्ञाचक्षु महापुरुष थे नाम था पूज्यपाद गंगेश्वरानंद जी महाराज महाराज चारों वेद कंठस्थ था चारों वेद के मंत्र उनको कंठस्थ थे हुँ? हाँ गंगेश्वरानंद हम लोगों के श्रद्धे हाँ किसी समय में स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु जी थे स्वामी बिरजानंद जी प्रज्ञाचक्षु चारों वेद के मंत्र कंठस्थ महाराज गंगेश्वरन जी महाराज श्रौत मुनि निवास तो जैसे जैसे अंधा काम कर लेता तो वैसे हम कर लिए तो आंख भी आ गई जब हमारे बगैर भी तुम्हारा काम चल गया तो फिर हम आ गए आकड़ खत्म एक एक करके सब इंद्रियां गई और सब बार बार वापस आ गई काम चलता रहा अंत में भीतर से एक वो जो प्राण है चेतन वो निकलने की तैयारी करने लगा निकला नहीं था निकलने की तैयारी करने लगा तो वहाँ दृष्टान्त ऐसे ना जैसे खूंटे में बंधा हो जैसे घोड़े को बांधते हैं तो उसके पाँव में रस्सी बांध के खूंटे में बांध देते दोनों पाँव को दोनों तरफ से जिससे वो क्योंकि घोड़े में ताकत होती है आप गले में रस्सी बांधोगे तोड़ के निकल जाएगा हाथी और घोड़े को पाँव में बांधा जाता है तो जैसे घोड़े को खूंटे में बांधा है रस्सी से और जब घोड़ा ताकत में आ जावे तो वो सारा का सारा ताकत लगाता है तो वो खूंटा ऊंटा उखाड़ के सब लेके चल पड़ता है ऐसे जब भीतर से प्राण निकलने का तैयारी हुआ ना तो जितनी इंद्रियां थी सबको गठरी बांधनी पड़ी अपनी अपनी आ, निकल, निकला नहीं था अभी लेकिन सारी इंद्रियों का मतलब वो निकलेगा तो ये भी निकलना पड़ेगा प्राण गया तो इंद्रियों को भी जाना पड़ेगा तब जितनी इंद्रियां थी वो घबराई उन्होंने कहा जय हो जय हो प्राण राम आप ही ज्येष्ठ हो श्रेष्ठ हो ज्य श्रेष्ठ ज्येष्ठ श्रेष्ठ और प्रश्नोपरिषद में आता है सर्व सब सबका भरण पोषण करने वाले चेतन गया तो आपका शरीर सब हाँ किसी का भी महाराज फिर वो शरीर को छू करके कोई आ जावे ना तो हम लोग कहते नहा किया हो, चेतन निकल गया शरीर छू गया तो हम कहेंगे अब नहा किया आओ स्नान करके आओ क्योंकि अब सौ को छू करके आए हो तो ये सारा जगत जो चेतनवान हो रहा है तो जिसकी चेतना से चेतनवान हो रहा है उस चेतन तत्व तो को मेरा नमस्कार बताइए क्या शुरुआत में पहली पंक्ति है ओम नमो भगवते तस्मय यत ये तत्मकम तत ये सारा जगत जिसकी चेतना से चेतनावान हो रहा है उस चेतन तत्व पर उस दृष्टा को उस साक्षी को मेरा नमस्कार है कौन है वो कौन है चेतन चेतन कौन है वो चेतन का अपना कोई आकार नहीं है चेत जैसे जल का अपना कोई आकार है, नहीं है। तो चेतन का अपना कोई आकार नहीं है चेतन है अपना कोई आकार नहीं है तो जिस शरीर के भीतर जाता है उसी शरीर के आकार वाला बन जाता है आपका चेतन कहां पर आपका जो मैं अहम मैं पांव के नाखून में है कि सिर पर है सिर के बाल में कहां पर है नाखून से लेके सिर के बाल तक मेरा मैं व्याप्त है ना तो ये शरीर के भीतर चेतन आया तो पुरुषाकार हो गया फिर यही अगर चीटी के शरीर में आया तो चीटी के शरीर के एक एक अंग में व्याप्त हो गया तो जिस शरीर के भीतर जाता है उसी शरीर का आकार प्राप्त कर लेता है जैसे जल लोटे में डालो तो लोटे के जैसा गिलास में डालो तो बिल्कुल उसी उसी प्रकार से तो उसको हम कहते हैं वही चेतन आज आके पुरुषाकार हो रहा है पुरुषाय वही परम पुरुष है वह चेतन तत्व जिस जिस देह को धारण करता है उस उस देह वाला बन जाता है वही चार मुख वाला शरीर धारण किया तो आपने कहा ब्रह्मा यही तो कहा दस सिर वाले को धारण किया तो आपने कहा रावण है ना तीन सिर वाले को धारण किया उसी ने तो त्रिशिरा एक ऋषि एक थे नाम था उनका तीन सिर था नहीं सुना कथा स्वामी जी जी वो स्वामी का काम है त्रिशिरा त्वटा ऋषि के पुत्र थे बाद में महाराज वो इंद्र ने उनको गुरु बनाया त्रिसिरा को गुरु बनाया गुरु बना करके उनसे यज्ञ करवाया नारायण कवच का उपदेश प्राप्त कर लिया इंद्र जीत गया देवता जीत गए असुर हार गए गुरु जी की कृपा से और बाद में देखा गुरु जी तो थोड़ा असुरों को भी पक्ष लेते हैं महाराज उठाया और तलवार और काट दिया गर्दा नहीं गुरु जी की नहीं सुना उसके बाद तो स्टार ऋषि नाराज हो गए जब और नाराज हो गए तो फिर से यज्ञ किया ऐसा यज्ञ करूंगा कि ऐसा बेटा पैदा होवे जो इंद्र को मार डाले जरा सी गलती हो गई मंत्र के पढ़ने में और वृत्रासुर पैदा होता है वृत्रासुर त्रिशिरा ये दोनों भाई थे दोनों भाई तो भाई इसका नाम पुरुषाकार पुरुषाय पुरुषाय शब्द है पुरुषाय पुरुषाय माने वही परम पुरुष हैं वही परम चेतन तत्व एक एक शरीर में आके प्रकट हो जाता है अब एक तुरंत मन के भीतर संशय पैदा होगा फिर एक जो पुरुष पुरुषाकार है शरीर ये शरीर तो किसी दिन जन्म लेता है तो उसका भी जन्म होगा तो कहते नहीं आदि बीजाए, जाए आदि बीजाए। उस परम पुरुष के लिए मेरा नमस्कार है और कौन है परम पुरुष आदि बीजाए जो सारे जगत का मूल अकारण कारण है अधिष्ठान जो सारे जगत का कारण है आदि माने प्रकृति का भी मूल माया का भी स्वामी परम पिता को मेरा नमस्कार है परेशाय अब धीम ही। परेशाय उन परम ईश्वर को उन परम परमेश्वर को जो सारे जगत को अपने बस में करते हैं उन परमात्मा को मैं अपनी बुद्धि में धारण करूं अभी धीम जैसे आप लोग पढ़ते धियो यौ नुर्वरेण्यम भर गो देव्य धीम ही तो उसमें उपसर्ग लग गया अभी धीम यानी हम अपनी बुद्धि में उन परमात्मा को धारण करते हैं ये पहले श्लोक का अर्थ हुआ अब बताओ गजेंद्र पढ़ा लिखा था कि नहीं आ? अब सीधा हाथी मत समझ लेना उन परम पिता परमेश्वर को उन भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूं जो सारे जगत में चेतन रूप से व्याप्त हैं वही चेतन एक एक आकार में प्रकट होता है पुरुषाकार पुरुष रूप परम पुरुष हैं लेकिन केवल पुरुष नहीं जन्म वाले नहीं बल्कि आदि पुरुष हैं आदि पुरुष जैसे आजकल बहुत सारे शंकराचार्य हो गए अभी तो शंकराचार्य बहुत सारे हो गए तो अगर भगवान शंकराचार्य जी को हम प्रणाम करना चाहते तो क्या कहते हैं आदि जगत गुरु देखो शब्द क्या प्रयोग करेंगे आदि जगत गुरु शंकराचार्य हाँ। आदि मने सर्वप्रथम ऐसे आदि पुरुष परमात्मा जो सर्वशक्तिमान हैं परमेश्वर हैं उनको हम बुद्धि में धारण करते हैं थोड़ा दूसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं कठिन वाला आज पढ़ लेते हैं कल से आसान हो जाएगा वेदांत वाला तो आज पढ़ लेते हैं अब दूसरा वाला समझना है कि नहीं छोटी मोटी बुद्धि से नहीं समझ में आएगी बहुत प्रज्ञा लगाने पड़ेगा यदम यथेदम ए नेदं य इदं स्वयं ए नेदं य परस्तं प्रपद्ये स्वयं भूवं एक-एक शब्द का पहले अर्थ देख लो यस्मिन् इदम् इदम् जगत ए सारा विश्व ए सारा का सारा विश्व यस्मिन माने जिसमें है सारा जगत जिसमें है पहला दूसरा है यतचा इदम ए सारा का सारा जगत जिससे है शब्द पर ध्यान देना जिसमें है और जिससे है ठीक है ना तीसरा शब्द है एन इदम ये सारा का सारा विश्व जिससे उत्पन्न हुआ है एन माने जिसके द्वारा जिसके, द्वारा। हां? जिसके, द्वारा। जिसके कारण हाँ तो देखो दो शब्द हो गया ना जिसमें है जिससे है और जिसके द्वारा है अरे और आगे क्या कहें इदम स्वयं जगत ए सारा का सारा जगत जो स्वयं ही परमात्मा आके बन गए अलग नहीं है ये सारा जगत जिसमें है जिससे है जिसके द्वारा है जो स्वयं ही जगत के रूप में है यह च अस्मात, अस्मात अस्मात माने इस कार्यभूत जगत से परस्मात माने अव्याकृत कारण से जो कार्य से भी परे और कारण से भी परे अस्मात्मात् व्यक्त से भी परे और अव्यक्त से भी देखो पहले कह दिया इदम स्वयं ये सारे रूप में वही है फिर कहते हैं यहां व्यक्त और अव्यक्त दोनों से जो परे हैं उन परमेश्वर की शरण में हम जाते प्रपदे उन परमात्मा की शरण में हम जा रहे हैं जो स्वयं भुवम स्वयं परमात्मा स्वरूप है कुछ गड्ढम्ड हो गया ना नहीं समझ आया कि समझा हाँ। इसका मतलब आप लोग हाथी से भी गए गुजरे हो नहीं हाँ, ओ देखो गजेंद्र बोल रहा है ना गजेंद्र की स्तुति आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई तो आगे बढ़ो तीसरा श्लोक हाँ, तो थोड़ा सावधानी से समझना हमको एक शरीर मिला ना अब यहीं से दृष्टांत लेके समझो इस शरीर के दृष्टांत से समझो इस शरीर को हम कहते हैं देह शरीर का एक नाम हुआ देह शरीर शरीर कह लो देह कह लो अब इस शरीर के साथ ये दृष्टांत के रूप में ले रहे हैं अच्छा शरीर के साथ में हमको शरीर मिला आप आप इतना वेदांत के लोग समझ फिर आप जीव किसको कहते हो शरीर ही जीव है कि शरीर से जीव अलग है कौन है क्या हाँ अब अब यहां पर वही शब्द ले आओ चलो हाँ ये शरीर जिसका है उसको हम कहते हैं जीवात्मा पहला शब्द जिसका मैंने बोला यस्य जिसका हमारा रूप जिसको पढ़ा होगा अहम आवाम बयम माम आवाम असमान मया आवा भ्याम असमान याद है ना तो षी में होगा यश ए शरीर जिसका है उसको हमने कहा जीवात्मा देहात्मा देह जिसका है उसको हमने कहा देहात्मा जीवात्मा अरे जैसे घर जिसका है उसको नाम दिया गृहिणी घर जिसका नाम है उसका नाम हुआ Green. आपका आप घर के स्वामी हैं तो किसका घर है ये विचारणी प्रश्न है हम किसके घर में बैठ के प्रवचन कर रहे हैं तिवारी जी के कि करुणा के कि मधु के कि सारा सुख बिंदे ले रही हैं उनके <laughs> बात तो सही है आ, वो दिल्ली में अपना रोटी बना हुए हैं वो अपना मंगलोर में घर में रहने का सुख तो पांच छह दिन के लिए हमको मिला है उसके बाद फिर हम्म <laughs> तो घर किसका है विचारणी प्रश्न है हाँ तो ये देह जिसका है पहला शब्द प्रयोग किया जिसका उसको हम कह रहे हैं देहात्मा देहात्मा जीवात्मा भी कह लो दूसरा ये देह जिससे चल रहा है जिसके जिससे चल रहा है किससे चल रहा है हा? मैंने सोचा कि आंख से देखूं तभी तो मैं आँख से देखने लगा मैंने सोचा कि सत्संग में चलूँ तभी तो मैं चल करके आया मैंने सोचा कि चलो आज हम इतना पाठ करेंगे तभी तो आप पाठ करोगे तो जिससे ये देह चल रहा है समझ में आ रहा है ना जिसका है और देह की स्थिति जिससे है स्थिति इसका नाम है स्थिति उत्पत्ति स्थिति ऐसे पढ़ते हो ना उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तो देह जिससे चल रहा है किससे चल रहा है जिससे चल रहा है वो जीवात्मा उसी को हमने कहा देहात्मा जिससे ये है यही ना दो बातें हो गई जिसका है और दूसरा जिससे ठीक है तीसरी बात और ये देह किसके लिए है किसके लिए मिला है जिसके जिसके लिए लिए देह देह मिला है, ये देह जिसके लिए है, उसको हम कहते हैं देहात्मा ठीक है ना ये देह, अरे इतना तो पढ़ा है सुना है ना कि जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शरीर प्राप्त करता है यह शरीर और किसी के लिए नहीं मिला है मत रहना ना तो मां ना तो बाप ना भाई ना बंधु न पति ना पत्नी ना बेटा किसी के लिए नहीं मिला ये, ये देह मिला है किसी एक भीतर रहने वाले के लिए वो अपने कर्मों का फल इसमें बैठ के भोग रहा है जिस दिन समाप्त हो जाएगा तो बच्चा भी चला जाता है जुआ भी चला जाता है वृद्ध भी चला जाता है कब तक जब तक उसके कर्मों का भोग है तो जिसके लिए इस शरीर है जिसके लिए कभी ब्रह्म मत रहना कोई कोई कभी कह देता है तुम्हे व माता चपिता तुम्हे व गुरु जी आप ही माता हो आप ही पिता हो गुरुदेव जैसा कोई नहीं आज वो सत्संग में भी नहीं दिख रहे <laughs> इसी मुहल्ले के तो कोई मेरे लिए नहीं है इस जगत में इस जगत में कोई मेरे लिए नहीं है अस्पष्ट है कड़वी सच्चाई हाँ। अगर मेरे लिए होते तो इसी मुहल्ले में जो मुझसे दीक्षित तो लोग हैं मुझसे मंत्र दीक्षित लोग हैं जो गुरु पूर्णिमा को दिख जाते हैं क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे यहां मतलब वो मेरे लिए नहीं थे अपने सुख के लिए मेरे पास आए थे गुरु जी से दीक्षा लेंगे उनके पास बैठ के ज्ञान प्राप्त करेंगे घर ठीक होगा परिवार ठीक होगा कुछ भी ज्ञान प्राप्त होगा मुक्ति भक्त जो किसके सुख के लिए थे सब क्या हुआ आपको चोट लग रही क्या हुँ? बेटी किसके लिए है बेटा किसके लिए है किसके लिए भूल जाना सब कुछ नहीं कोई नहीं बस बाद में कहते हैं ध्यान रखना हमको तो बच्चे की परीक्षा देनी है कोई कोई आपके लिए नहीं आया है सब अपने अपने कर्मों के फल के लिए आए हैं जिसका जैसा कर्म है उसको वैसे शरीर प्राप्त हुआ ठीक है ना तो तीसरी बात हो गई जिसके लिए चतुर्थी विभक्त हो जाएगा हा हाँ, उसी में देखो अस्मत पद में जिससे ये शरीर जिसका है वो है देहात्मा शरीरात्मा जीवात्मा जिससे स्थित है वो है जीवात्मा ठीक है जिसके लिए है वो है जीवात्मा अब सीधे सीधे आप दिखा नहीं सकते जीवात्मा को ऐसे पकड़ के दिखा दूंगा आपको मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है इसी से समझना पड़ेगा आपको यही करते होंगे ना बुखार जिसके कारण आया जिससे है वही डेंगू डेंगू को किसने देखा है डेंगू मलेरिया देखा है आपने जिसके कारण बुखार आया है जिसके कारण जाड़ा लगता है वो कौन है मलेरिया यही ना जिसके कारण प्लेटलेट्स कम हो जाती है वो कौन है तो आप लोग कितना डॉक्टर बन गए <laughs> तो तो ऐसे चौथी बात और अंतिम बात इसको कहते हैं व्यतिरेक अन्य व्यतिरेक जिसके बिना ये देह रह नहीं सकता अभी मैंने कहा था ना वो गया तो शरीर फिर बैठा जिसके बिना देह नहीं रहेगा इसको कहते हैं बेतरे की भाव अबिना भाव जिसके बगैर देह नहीं रहेगा उसका नाम है देहात्मा जीवात्मा भी कह लो शरीर आत्मा भी कह लो वो है जीवात्मा तो ये चार चीज चार चीज ये शरीर जिसका है जिससे है जिसके लिए है और जिसके बिना ये ठीक है ना चला समझ में आया समझ में आया देह और देहात्मा अब इसको इस जगत पे ले जाओ इस दृष्टांत को दृष्टांत में ले आओ अब दृष्टांत ले क्या हो रहा है यहां पर जगत इदम जगत ये सारा का सारा विश्व ये सारा का सारा जगत विश्व तो यह सारा का सारा विश्व जिसका है वो है भगवान ठीक है पहला लगाया पहला वाला जिसका है वो है भगवान जिससे विश्व है वो है भगवान विश्वात्मा यौ विश्वात्मा विश्वात्मा जगत आत्मा यही ना जगत आत्मा जगत जिसका है जिससे है जगत किसके लिए है किसके लिए है अरे उपनिषद में लिखा है उसको अकेले मजा नहीं आया वो अकेला ही था ना दूसरा कोई था नहीं तो वो अकेलेपन में उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने कहा बहुत सारी प्रजा को बनाऊं जिससे हमको अच्छा थोड़ा लगे क्योंकि तो अकेलेपन में बहुत अच्छा नहीं लगता तो उसने सृष्टि रचना किया किसके लिए रचना किया उसने तो जिसके लिए जगत है जगतात्मा परमात्मा विश्वात्मा को है चौथी बात भी लगा लो जिसके बगैर फिर ये जगत रह नहीं सकता कण कण में फिर वही है अगर देखना चाहो उसके बगैर जगत की सत्ता नहीं टिक सकती एक वृक्ष सूखा वृक्ष पशु मृत पशु मनुष्य मरा हुआ मनुष्य कण कण में अगर देखो तो वह विश्वात्मा है वह जगतात्मा है वो हाँ। हाँ। सारे जगत में वही विश्वात्मा है वही परमात्मा है ये सारा जगत जिसका है जिससे चल रहा है जिसके लिए है और जिसके बगैर रह नहीं सकता वो परमात्मा वो भगवान उन भगवान की शरण में मैं हूं इस श्लोक का यही अर्थ है यस्मिन इदम जिसमें सब है यतश्चेदम जिससे सब है, येन इदम जिस जिसके द्वारा सब उत्पत्ति हुई और जो सारे जगत के रूप में स्वयं ही है इदम स्वयं ये सारे जगत के रूप में परमात्मा स्वयं ही है उस परमेश्वर को जो अस्मात्मात्मा व्यक्त और अव्यक्त अस्मात माने व्यक्त दिखाई पड़ने वाला परसमात माने जो दिखाई नहीं पड़ा माया कारण सबके परे सबका अधिष्ठान उस परमात्मा की शरण में हम जा रहे हैं ओ परमेश्वर हमारी रक्षा करें ओ परमात्मा हमारी रक्षा जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है इस पर खूब मनन करना एक श्रवण से ही नहीं टिकेगा श्रवण दूसरा था मनन जब इसका मनन करोगे तो ये चार चार सूत्र लगाना मनन करने में ये मनन, मनन यही होगा देह के साथ में हमने दृष्टांत लेकर के समझा देह के साथ दृष्टांत लेकर समझा अब इसी को आप इस सारे जगत पे लगा लो जैसे देह और देहात्मा ऐसे जगत और जगत आत्मा बस जो इसको जो इसको समझ लेता है समझना वो वो अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा एक श्लोक और पढ़ते हैं यः स्वात्मनिदम् निजमाययार्पितम् क्वचिद्विभातम् क्वचित् तिरोहितम् अभिद्धदृक्साक्षि उभयं तदीक्षते आत्मोलो अवतुम पर हाँ यह देखो यहाँ से देखो यह माने जो यह माने जो एक सर्वनाम है स्वात्मनि इदम ये तो विशेषण हो गया यहां पर इसको यह माने जो परमात्मा ऐसे हैं जो परमात्मा ऐसे हैं नीचे की पंक्ति देखना है, बिल्कुल नीचे का सा परमात्मा वो परमात्मा आत्म मूल है आत्मा रूप से यहाँ विराजमान है आवत माम ओ मेरी रक्षा करे जैसे पढ़ते हैं ना सहना भवत आवत्मा ने रक्षा करे, तो जो परमात्मा ऐसे हैं या माने जो तो नीचे लाया सह वो परमात्मा हमारी रक्षा करें पर और अपर से परे वो परमात्मा मेरी वो परमात्मा कैसे हैं जो परमात्मा ऐसे हैं वो मेरी रक्षा करें तो परमात्मा कैसे हैं कैसे हैं आप लक्षण सुनो अब लक्षण बताते हैं ये पूरा का पूरा लक्षण है और पहली पंक्ति ही बता दिया कि ये अध्यास है जगत देखो तो आ गया पूरा का पूरा सुना देना सत्यानृत मिथुनी कृत्य हे राम अहम इदम मम इदम नैसर्ग को अयम लोक व्यवहार साफ झूठ क्या हुआ स्वात्मनि इदम निज माया अर्पितम स्वात्मनि स्वात्म अपने ही भीतर इदम इस सारे जगत को अपने भीतर कैसे निज माया अपनी ही माया शक्ति से इसको यहाँ पर अध्यास कर लेते हैं जो परमात्मा अपने भीतर ही सारे जगत की कल्पना कर लेते हैं क्वचित विभातम कभी प्रकट होता है दिखाई पड़ता है क्वचित कभी कभी तिरोहितम अब ऐसे समझो बढ़िया दृष्टांत है आपके सामने स्वप्न वाला स्वप्न कपड़े आप कौन हो तो हम कहेंगे आप वह हैं मैं वह हूं जो अपने ही भीतर अपनी ही मन की शक्ति के द्वारा एक पूरे स्वप्न जगत की मैं रचना कर लेता मैं अपन सपना कहीं बाहर नहीं बनाते हो सपने में अगर आपने घोड़ा देखा हाथ और रथ देखा तो रथ कहीं बाहर आप नहीं बने कहां बनाया आपने रथ को आपने भी अच्छा कैसे बनाया आपके भीतर एक मन की शक्ति है आपके भीतर मन की शक्ति है उसी मन की शक्ति से आपने बना लिया और असल में जैसे स्वप्न हम देखते हैं यही मन की शक्ति थोड़ा गड़बड़ा जावे और निद्रा ना होवे तब भी आप कल्पना करने लगो तो फिर पॉलीटेक्निक चौराहे पर बीच में खड़े होके डंडा हिलाओ क्या कहेंगे लोग पागल हो गया क्यों अब वो अपनी कल्पना के लोक में जीने लगती यही ना तो आपके भीतर एक शक्ति है एक शक्ति है किसकी मन की शक्ति उस मन की शक्ति से स्वप्न आपने बनाया और सारा का सारा स्वप्न कहाँ गया फिर टूट करके स्वप्न टूटा तो कहां गया काश कल राजा बने थे स्वप्न में सिंहासन था वो महाराज तमाम फौज फाटा भी था लोग जय जय कार बोला करते थे क्या मजा था अच्छा सपना टूटे और सपना से जैसे टूट अगर कोई बढ़िया राजा उजा का सपना दिखने लगे ना और नींद खुल जावे तो आदमी फिर से आंख बंद करता है टूट <laughs> क्यों गया सपना अच्छा सपना कभी किया तो नहीं है सर अच्छा सपना फिर से आंख बंद करके फिर से टूट क्यों गया और ख़राब सपना हो तो खुश होता है चलो सपना था टूट गया उस सपने से सिंघासन ले आओ बस छोट थोड़ा मोड़ा नहीं होगा सोने का सिंघासन होगा सिंघासन ले आओ चलेगा अच्छा सपने में राजा बने थे तो मुकुट भी तो था ना सिंहासन से ही कम से कम मुकुट ही मिल जाओ गुरुदेव बड़ा बढ़िया दृष्टांत दे रहे थे गुरुदेव गुरुदेव दृष्टांत दिए हम सब बच्चे लोग पढ़ रहे थे गीता पढ़ा रहे थे तो ज़्यादा अंग्रेजी तो नहीं आती थी लेकिन हम पढ़ा जब क्लास लेते थे तो बच्चों की इंग्लिश लिखते थे तो भगवान भला करें फिर राइटिंग में तो फिर जो है अच्छे अच्छे लोग जो है तो उनका हम गए अमेरिका और हमसे मिलने आए अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हम लोग चाहोगे गुरुदेव से मिलने तो कोई ऐसी बात नहीं और गुरुदेव पूरा उसको पूरा ड्रामा की तरह से बताया ऐसे आए स्वागत किया फिर उनको बिठाया फिर उन्होंने कहा स्वामी चिन्मयानंद तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आपकी संस्था के लिए मैं पचास लाख का चेक दे रहा हूं हो, मन गदगद हो गया और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं पचास लाख का चेक जैसे हाथ में आया इतनी खुशी की सपना टूट गया <laughs> काश वो पचास लाख का चेक ही ले आते <laughs> संभव है सारा का सारा स्वप्न जहां था वहीं जाके हितम ऐसे ही ये सारा जगत देखो हाँ कहा क्वचित विभातम कभी वहीं से प्रकट होता है और क्वाचा तत्तिरोहित वहीं पर जाके सब तिरोहित हो जाता है अबिध दृक् साक्षी उभयम तदीक्षते साक्षी उभयम अबिद बिद्ध नहीं होता अबिद कौन किससे ये उत्पत्ति और स्थिति दोनों से वो असंग रहता है बिद्ध नहीं होता माने उसे अछूता है प्रभावित नहीं होता सपने में हमने आग देखी तो मन मेरा जल नहीं गया कौन कौन है दृक माने दृष्टा ये दृश्य जगत की उत्पत्ति स्थिति से वो बिल्कुल अछूता है चाहे जितना वो साक्षी रूप में अधिष्ठान रूप से है अधिष्ठान अध्यक्ष से कभी प्रभावित नहीं होता वो अविद्ध है दृष्टा है और ये दोनों की उत्पत्ति और प्रलय दोनों को साक्षी है साक्षी उभयम दोनों का साक्षी है जो ऐसा परमात्मा है सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति का साक्षी उस परमात्मा की मैं शरण में हूं वह पर परमेश्वर हमारी रक्षा करें सा सामूलहा आत्म वही आत्मस्वरूप मेरी रक्षा करें गजेंद्र ने ऐसी स्तुति किया हाँ। आज का तो लग रहा होगा कि बड़ा कठिन लग रहा है ना कल से आसान हो जाएगा कल से आसान हो जाएगा आज थोड़ा सा अब हाँ। भाई ज़्यादातर देखो जहाँ भी कथा वगैरह होती है हम लोग कहते हैं गजेंद्र ने स्तुति किया और भगवान आकर के उसकी रक्षा कर लिए गजेंद्र मोक्ष को, को कोई पाठ भी कर लेता तो पढ़ लेता है अर्थ समझना तो मुश्किल ही है जो समझ ले वे, जो समझ ले वे, उसके लिए हम कहेंगे उसका उद्धार होगा वो मृत्यु से पार हो जाएगा हाँ ऐसा कह दिया हम लोग आज यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं आज कल इसके बाद कल वो याद रहेगा ना देह और देहात्मा चार हमने उसका बताया था बोलोगे तो नहीं ए शरीर देह जिसका है यस्य जिसका जिससे जिससे चल रहा है जिसके लिए है और जिसके बिना उसको आप उसको कह दो जीव ये है जीवात्मा है ना ये लक्षण बता दिया ये है जीवात्मा ऐसे इसी चीज को जगत में ले आओ ये सारा जगत जिसका है जिससे चल रहा है जिसके लिए है और जिसके बिना नहीं रह सकता वो है जगतात्मा वही विश्वात्मा वो परमात्मा हम उसकी शरण में हैं। ओम पूर्ण मदर्ण मिदम पूर्णात्ण मुदच्य पूर्णस्णमा पूर्ण ॐ शान्ति 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 हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम्